एक अहम टॉपिक है फैक्टर अपॉन विच इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिपेंड्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में बताया है कि जब हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड ऑफ द कंडक्टर को प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उस कंडक्टर में मूवमेंट शुरू कर देते हैं। यानी इस फिगर में अगर आप देख लें, हमारे पास ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहां पर इस साइड ए पॉइंट पर हमारे पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा, तो ये ए पॉइंट से बी की जाने मूवमेंट शुरू कर देंगे। मैंने आपको बताया है इस कंडक्टर में हेड्स ऑफ एटम होते हैं और ये एटम इनकी मूवमेंट कैसी होती है, वाइब्रेशन करते हैं। ये कंडक्टर में क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी वाइब्रेशन या इस ऊपर नीचे होगी या आगे पीछे, इस तरह होगी। अब जब इलेक्ट्रॉन इसमें मूवमेंट करते हैं तो ये रेडियस ऑफ एटम जो होते हैं इस मोमेंट के खिलाफ मुजाहिमत पेश करते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। अब इस रेजिस्टेंस किन चीजों पर इनका इन्हिसाब होगा, नंबर फर्स्ट पॉइंट आप जरा नोट कर लें, रेजिस्टेंस जो होगा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रपोर्शन होगा। प्रपोर्शन साइन हमारे पास आएगा इनके अंदर में, और ये क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रपोर्शन होगा। इससे मुराद ये है कि जैसे जैसे लेंथ में इजाफा होगा कंडक्टर के, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, इसमें हमारे पास ज्यादा से ज्यादा होगा। यानी मिसाल के तौर पर अगर ये मेरे पास एक कंडक्टर है, इसमें एटम्स आपको मैंने ये जीरो की शक्ल में यहां पर दिखाए हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूवमेंट करते हैं इस साइड पर, तो ये एटम्स इसके मूवमेंट की मुखालिफत करते हैं। तो अगर इस कंडक्टर को हम इसकी लेंथ को इजाफा कर दें, यहां पर इस तरीके से यहां पर ले आए, सही, तो एटम्स की तादाद में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। एटम की तादाद में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। जब एटम की तादाद में इजाफा होगा तो इससे हमें ये आएगा कि ये इस इलेक्ट्रॉन के मोमेंट में जो रेजिस्टेंस इसको फराहम होगा वो भी इजाफा इसमें हो जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट जो फैक्टर है वो क्या है, हमारे पास इट इज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सेकेंडली हम दूसरा फैक्टर डायमीटर के हिसाब से जो पढ़ते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर। जैसे कि आपको यहां पर नजर आ रहा है प्रोपोर्शनल टू होल ओवर है, इट्स मीन दैट इफ एरिया इंक्रीज, इफ द एरिया ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज, so it depends that the resistance will be decreases because both the terms were inverse proportional। यहां पर क्या है, resistance area कितने है, inverse proportional है। अगर हम मिसाल ये ले, ये फॉर एग्जाम्पल इसका हमारे पास एरिया क्या है, इसको हमने कंडक्टर का एरिया क्या कर दिया है, ज्यादा कर दिया है। यानी मैं आपको मिसाल दे देता हूं, हमारे पास ये एक बार पॉइंट है और ये मेरे पास एक मार्कर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको ये नजर आ रहा है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इसका क्रॉस सेक्शन आपको ये नजर आ रहा है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दैट बॉल पॉइंट इज लेस एज कंपेयर टू दैट मार्कर। तो इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन सही तरीके से नहीं करेगा और इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन सही तरीके से करेगा। यानी इस फिगर को अगर आप देख लें, यहां पर इसको रास्ता ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा, रास्ता ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, सही है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस दूसरा फैक्टर जो है वो ये है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ दैट कंडक्टर, दैट इज आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन ओवर है, दैट इज सेकंड इक्वेशन। नाउ तीसरे मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा नेचर पर, नेचर ऑफ द मटेरियल पर। अगर आप अच्छी नेचर वाले मटेरियल यूज करेंगे तो आपको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो रेजिस्टेंस को कम मिलेगा, रेजिस्टेंस कम मिलेगा। मिसाल के तौर पर कॉपर वायर है, कॉपर वायर इज अ गुड कंडक्टर एज कंपेयर टू आयरन, एज कंपेयर टू आयरन वायर, सो नेचर पर डिपेंड करेगा। चौथा
रेजिस्टेंस जो है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर में इजाफा होगा तो रेजिस्टेंस में इजाफा होगा। लेकिन हर एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है, तो मैथमेटिकली जब हम लेते हैं तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं मैथमेटिकली, दैट इज टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहां पर हमारे पास क्या है कांस्टेंट है। तो बोथ इक्वेशन दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 1 दैट इज आर इज इक्वल टू पोर्शन टू एल एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 आर इज इक्वल टू पोर्शन टू एरिया, इसको हम ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज आर इज प्रोपोर्शनल टू एल ओवर एल। अब यहां पर हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शन की साइन को हटाते हैं, किसको लाते हैं इक्विलिटी को लाते हैं। जब इक्विलिटी को लाएंगे तो क्या होगा, हम यहां पर एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड ऑफ द इक्वेशन दैट इज आर विल बी इक्वल टू कांस्टेंट एल ओवर एल, और ये कांस्टेंट जो है इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, और इसको हम रो से जाहिर करते हैं। किस चीज से जाहिर करते हैं, रो से। रो जो है ये एक ग्रीक सिंबल है, इसको क्या पढ़ेंगे, ये सिंबल जो आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास रो दैट इज ये देखते हैं आप रो, इसको ये ग्रीक सिंबल है, ग्रीक सिंबल है और इसको पढ़ेंगे आर एच ओ रो। यहां पर इससे मुराद क्या लेंगे, रेजिस्टिविटी आर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या लेंगे इसे रेजिस्टिविटी आर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हमारे पास इक्वेशन जो रेजिस्टेंस की बन जाती है दैट इज रो एल ओवर एल।